पांगी मुख्यालय किलाड़ में सुलभ शौचालय बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन पांगी प्रशासन द्वारा इस मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि पांगी बस स्टैंड में मात्र एक ही सुलभ शौचालय है जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पांगी में पर्यटकों को आने की इजाजत है तो सुलभ शौचालय के कर्मचारी को प्रशासन क्यों नहीं बुला रहा है, क्यों पांगी प्रशासन को जनता की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का यह भी कहना है कि जब कोरोना पॉजिटिव 5 लोगों को रखने के लिए सुलभ शौचालय खोला जा सकता है तो आम जनता के लिए बंद क्यों है। क्या सुलभ शौचालय सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करने के लिए बनाया गया है। पांगी मुख्यालय किलाड़ में लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को मजबूरन बस के पीछे या फिर आसपास खुले में शौच करने में मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आम जनता की इस समस्या पर जल्द प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाए। बड़ा ही खेद का विषय है कि आज कोरोना कर्फ्यू उस हिमाचल में, पूरे हिमाचल में समाप्त कर दिया गया, लेकिन पांगी प्रशासन के द्वारा जो हम बार बार जो मांग उठाते थे कि सुलभ शौचालय को आम लोगों के लिए खोला जाए, आम पिछले 2 सालों जो सालों से जो है सुलभ शौचालय बिल्कुल बंद करके रखा हुआ, और अभी हाल ही में जो एक घटना हुई थी कि जो हमारे 5 मजदूर जो कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको जो है सुलभ शौचालय में आइसोलेट किया गया था। तो बड़ी मतलब एक दुखद पहलू ये है कि जो शौचालय जिस काम आना चाहिए उसके लिए तो कभी उसको खोला नहीं गया, लेकिन जब बेचारे गरीब मजदूर थे जो कहीं बाहर से प्रवासी मजदूर थे तो उनको मतलब एक मानवहीनता जो होती है उसके तहत मतलब उसको उनको जो है बेचारे उनको उधर सुलभ शौचालय में जो आइसोलेट किया गया था, जबकि ये चाहिए कि सुलभ शौचालय तो आम आदमी के लिए खोलना चाहिए। पिछले 2 सालों से जो सुलभ शौचालय नहीं खोला, हमने कई बार पांगी प्रशासन के साथ जो है इस माध्यम से पत्राचार भी किया, लिखा भी, और लेकिन उन्होंने आज तक भी इस पर कोई मतलब कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। हमने सरकार को लिखा, मीडिया में दिया, प्रेस में दिया, अखबारों में दिया, लेकिन अभी तक भी इसके मतलब कोई भी इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।